जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, जिसकी फांसी के लिए कोई भी जल्लाद तैयार नहीं हुआ। जब मां आई जेल में मिलने तो हंस पड़े। मौत का खौफ तो दूर उसे मुस्कुराकर स्वीकार किया। यूं ही नहीं वो कहलाए थे शहीद आजम भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लयालपुर गांव में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा इन्होंने लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल से पूरी की। स्कूल के बाद इन्होंने लाहौर के ही नेशनल कॉलेज से आगे की पढ़ाई की और यहीं से हुई भगत सिंह की कहानी शुरू। नेशनल कॉलेज के फाउंडिंग प्रेसिडेंट्स में से एक थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। इनकी मौत का किस्सा जवान खून भगत सिंह के जहन में रह गया और ये खून जब दिमाग पर चढ़ा तो ठान ली बदला लेने की, उस गोरे ऑफिसर को मौत के घाट उतारने की जिसने लाला जी को मारा था। फिर क्या था, रणनीति, संकल्प और बस हमला। भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गोरे पुलिस ऑफिसर को तो मारा, पर उन्होंने गलत ऑफिसर को मार दिया था। जिसे मारना था उसकी जगह मारा गया था जूनियर पुलिस ऑफिसर जेपी सॉन्डर्स। इसी की मौत के जुर्म में भगत सिंह को सुनाई गई थी फांसी की सजा और महज 23 साल की उम्र में भगत सिंह को लगाई गई थी फांसी। भगत सिंह के अंदर क्रांतिकारी का जन्म केवल लालाजी की मौत के बाद नहीं हुआ था। ये क्रांतिकारी बचपन से ही उनके साथ खेलता रहा, मुस्कुराता रहा और जवानी के साथ साथ बड़ा हुआ। 8 साल की उम्र से ही वे सोचने लग गए थे कि गोरों को इंडिया से बाहर कैसे खदेड़ा जाए। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय भगत सिंह महज 12 साल के थे और किसी रोज वे अपने स्कूल से भागकर उसी बाग में गए और वहां से एक कीचड़ और निर्दोषों के खून से भरी बॉटल अपने घर ले आए जिसकी वे रोज पूजा किया करते थे। कौन जाने कि 12 साल की किशोरावस्था में भगत सिंह के मन में क्या चल रहा था और उन निर्दोषों को रोज नमन करते हुए वे क्या मांगते थे। सिख परिवार में पैदा हुए भगत सिंह खुद को एक अधर्मी मानते थे। उन्होंने 1930 में लाहौर की सेंट्रल जेल में इस पर एक बुक भी लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया कि वे किसी भी धर्म को क्यों नहीं मानते हैं। भगत सिंह की क्रांतिकारी सोच कलम की नोक से भी होकर गुजरी थी। भगत सिंह ने अमृतसर की कई पंजाबी और उर्दू अखबारों के लिए लिखा। इनकी लिखावट से हमेशा आजादी की आग का तप निकलता था और विचारधारा के मामले में वे हमेशा मार्क्सवाद को पहला दर्जा देते थे। वे चाहते थे कि लोगों के मनों में भी आजादी की आग इस तरह सुलगे कि ब्रिटिश राज का लोहा पिघलकर सतलुज के रास्ते बह जाए। 116 दिनों तक भगत सिंह भूखे पेट जेल में रहे लेकिन अपना रोजमर्रा का काम नहीं छोड़ा। जेल में पढ़ना और अपनी सोच को कागज के पन्नों पर उतारना कभी नहीं छोड़ा। जेल में ही जब मां बेटे को मिलने आई और देखा कि सलाखों के पीछे उनका लाल खड़ा है और मां की आंखों से ममता की गंगा बहने लगी तो भगत सिंह हंसने लगे। इस वाक्य को देख वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर्स चौंक गए कि इस आदमी को फांसी की सजा सुनाई गई और इसकी आंखों में डर की जगह लड़कपन दिख रहा है। भगत सिंह एक बेटे, एक लेखक, एक क्रांतिकारी, एक अथक पाठक और फांसी के बाद से अभी तक वे हैं भारत की हर पीढ़ी की एक सोच। वो सोच जिसका दम ना कोई अंग्रेज हुकूमत घोट पाई और ना ही एक रस्सी का टुकड़ा।